मेरा सीईटी का एग्जाम है, मैं और इनकी जा रही हूँ। गाइस, मौसी और आंटी का तो सेंटर ही नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग गया, लेकिन फिर भी हम टाइम पे पहुंच गए, ये अच्छी बात है। और उसके बाद वो तो चले गए पेपर देने, लेकिन हम बैठे बैठे हो गए थे बोर। तो हमने क्या किया, आगे देखो गाइस, यहाँ पे सभी पेपर देने वाले हैं अंदर, और उनकी फैमिली से या फिर जो भी कोई उनका रिलेटिव उनके साथ है, सभी वेट कर, ऐसे ही हम वेट कर रहे हैं। मैं तो अपना ठंडा पीऊंगी, और पापा देखो क्या पियेंगे, चाय पियेंगे या कुछ और पियेंगे। कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हम चले गए घूमने, क्योंकि हमें पता था, हम पहले भी आए थे यहाँ पर, एक पहाड़ी है जिसके ऊपर एक महल है, लेकिन पहले हम इतना नहीं देख के गए थे। हम वहाँ गए तो हमें पता चला कि वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, तो आज हमने सारा कवर किया है और वीडियो भी बनाई है आपके लिए। ये लोग आ, ये सब पहुंच गए हैं, लेकिन ये महल तो बंद है। बट कोई नहीं, हम ऊपर गए हैं तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे यार, इतना तो सोच लो। तो हमने कुछ और बनाया है, मतलब किसी और चीज़ की वीडियो बनाई है, वो तो हमने भी नहीं देखी थी पहले। चलो आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। और गाइस, पूरा उबड़ खाबड़ रास्ता है, क्योंकि पत्थर थे रास्ते में। तो एक बार तो मैंने अपनी, ये जो मैंने पहन रखी थी बेलीज, अपनी उतार दी थी अपनी जूती, मुझे लग रहा था कहीं मैं यहाँ से गिर ना जाऊँ इसलिए। और यहाँ पे जो हम अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, सबसे पहले तो आप व्यू चेक करो यहाँ से, मतलब सारा, क्या नाम था इसका, महेंद्रगढ़ आपको यहाँ से दिखेगा। उसके बाद हमने थोड़े फ़ोटो क्लिक किए, देन उसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ जो हैं 52 कमरे, मीन्स 52 रूम यहाँ पे बनाए गए थे, देखो। लेकिन बहुत साल हो गए हैं तो ये खंडित हो गए हैं अब तो। और यहाँ पे पापा देखो अंदर, यहाँ वीडियो कॉल करके घर पे और दिखा रहे थे सभी को।
पापा के बाद मैं वीडियो बनाने गई थी, लेकिन यहाँ पे यही कुछ था और आगे मैं दिखाने जा ही रही थी तो मतलब चमगादड़ की आवाज़ आई, मेरे को ऐसा लगा तो मैं भाग गई। देखो जिसे आप अभी फिलहाल देख रहे हो ये है रानी तालाब। यहाँ ऊपर से पानी आते हुए इस यहाँ से जाता था पानी और आगे जो जगह है वहाँ पे आपको दिखाऊंगी मैं, अब वो देखो उस जगह में पानी भर जाता था और वो एक तालाब जैसा बन जाता था, इसीलिए इसका नाम रानी तालाब रख दिया।